नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो ये है करीब मेरा 1 साल के ऊपर का हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट, और अभी करीब मुझे 13 से 14 महीने हो गए हैं ये। तो अभी बहुत वेवी हो गया है, मेरा बाल बहुत बढ़ गए हैं, तो ये वेवी हो गया है काफ़ी हेयर। तो मुझे एक अच्छे हेयर कट की ज़रूरत है, तो वो भी मैं करवाऊँगा। और उसके बाद मैं हेना लगाता हूँ ये बालों में, जो आपको हल्का सा ऑरेंज कलर दिख रहा होगा, उसके लिए कलर नहीं लगाता हूँ मैं, क्योंकि कलर से बाल बहुत झड़े थे मेरे, और उसी कारण मेरे बालों की मतलब हेयर फॉल चालू हुआ था। तो कलर, मैं कलर केमिकल और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, उसके मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ। तो ये मेरा करीब 13-14 मंथ्स का करीब हो गया है हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट, तो अभी कुछ ऐसा दिखता है, तो आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। अभी मैं हेयर कट करवाऊँगा, तो उसके बिफोर एंड आफ्टर का भी वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको। तो अभी कुछ ऐसा है, इतने बाल बढ़ गए हैं, मतलब ये आप बाजू में मेरी फ़ोटो देखोगे तो पहले बहुत ही कम हो गए थे बाल यहाँ पे। अगर मैं इनको साइड भी कर दूँ, ये साइड के हेयर को और इनको, जैसे ये इनको साइड भी कर दूँ, तो भी मेरे इतने बाल हैं, आप देख सकते हो। ये इसको साइड कर दिया, इसको साइड, तो भी मेरे अभी इतने बाल हैं। इसको ऊपर कर लेते हैं, तो डेंसिटी का बस इशू है अपने में, बाकी कवरेज मिल गया है। क्राउन एरिया में तो ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं था, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, तो बस डेंसिटी का इशू है, बाकी ना कवरेज के हिसाब से यहाँ पर बाल हैं करीब इतने इतने बाल हैं। तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी तो नहीं है, हाँ, लेकिन कवरेज के लायक जितने बाल होना चाहिए, जिससे आपकी हेयर स्टाइल हो जाए, वैसे बॉल्ड या थिंड पैचेस ना दिखें, उसके लायक अपना हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट ठीक है। बाकी क्राउन में तो हुआ ही नहीं था, तो ये सब फ्रंट का पार्ट दिखता है, कोई ने साइड साइड से दिखा दिया था, साइड से ऐसे दिखाऊंगा तो आपको अच्छा ही लगेगा। यहाँ डेंसिटी का इशू है ये। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ है, ये है सब, ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है। तो थोड़ा डेंसिटी का इशू है यहाँ पे, इसीलिए मैं साइड से कंघी करता हूँ, लेकिन ये बहुत वेवी हो जाते हैं बाल आप ऐसे देखोगे, तो इसीलिए थोड़ा हेयर कट की ज़रूरत है। तो मैं हेयर कट करवाऊँगा, और उसके बाद भी जो हिना लगाता हूँ उसका वीडियो बताऊँगा आपको, और हिना के बाद, अभी कटिंग के बाद ये सफ़ेद बाल दिखेंगे वो कैसे दिखते हैं, और हिना से वो कितने कवर हो जाते हैं, उसका वीडियो भी मैं डालूँगा। तो हेयर केयर जो मेरी चल रही है, वो बस ओमेगा 3 फिश ऑयल ले रहा हूँ एज ए सप्लीमेंट, DHT ब्लॉकर, बस यही दो ले रहा हूँ। और हेयर ऑयल में मैंने थोड़ा चेंज किया है, उसके लिए मैं आलमंड ऑयल और रोजमेरी ऑयल का मिक्स यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। तो अभी मेरा ये अराउंड 13, आई वुड से 12 या 13 मंथ, अभी उतना याद नहीं है, दिसंबर में हुआ था लास्ट, तो अभी मार्च चल रहा है, तो करीब 12 मंथ के आसपास का हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट ऐसा है। तो हेयर केयर में तो बस अभी अपना सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, और मैं रोजमेरी और आलमंड ऑयल का मिक्स लगा रहा हूँ, बस इतना ही कर रहा हूँ। फिनस्ट्राइड टोटल बंद है, ड्यूटास्ट्राइड भी बंद कर दिया है 6 महीने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट के, और मिनोक्सिडिल भी मैं नहीं लगा रहा हूँ, कभी कभी लगता है तो लगा लेता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉटल पड़ी है तो क्या करें, उसका वो वेस्ट ही हो जाएगी। बाकी मैं रेगुलरली नहीं लगा, तो महीने में एक आध बार, वो भी इच्छा करी तो, वरना वो ऐसी पड़ी शायद वेस्ट ही हो जाए। तो सनलाइट में वीडियो बनाने की मैंने कोशिश करी थी, बट बाहर का मौसम बहुत ही क्लाउडी, विंडी, रेनी था, काफ़ी ठंड भी थी, तो इसीलिए मैंने जो दूसरा है आपको फुल क्राउन एरिया और डोनर एरिया दिखाने का वीडियो अंदर बनाया है, इंडोर लाइट में, क्योंकि बाहर लाइट भी अच्छी नहीं थी, काफ़ी ठंड भी थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हवा चल रही है और हल्की सी बारिश भी हो रही है, तो जो भी वीडियो बनाया, नेचुरल लाइट थी नहीं तो सनलाइट में वीडियो बना नहीं पा रहा था मैं, तो इसीलिए अंदर बनाया वीडियो। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये इंडोर लाइट में यहाँ पर थोड़ा बेटर लाइट है, इसीलिए आपको यहाँ पे वीडियो में आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बाल बहुत वेवी हो गए हैं, और ऐसा साइड से ऐसे लगते हैं, तो इसको जैसा थोड़ा हेयर स्टाइल सेट करके ये बराबर लगते हैं, डेंसिटी का इशू है बट ठीक है। और ये डोनर एरिया आप देख सकते हैं पूरी तरीके से फुल हो गया, कोई ऐसे पैचेस नहीं है, प्रॉपर हील हो गया, और अभी भी डेंसिटी काफ़ी है। तो आप देखेंगे कि जो वेवी पैटर्न है मेरे बालों का, उसके कारण से यहाँ पर ना एक गैप दिखता है हल्का सा, तो वो भी ठीक है, वेवी पैटर्न है बालों का तो वैसा ही रहेगा, तो सामने से बाल कुछ ऐसे लगते हैं। तो जैसा कि पहले के और हेयर ट्रांसप्लांट के पहले काफ़ी थिन हो गए थे सामने के बाल, और साइड से आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे हैं यहाँ के बाल, कैसा है रिजल्ट, तो इस तरीके का कुछ रिजल्ट है।
तो जो 2,500 ग्राफ्ट बोले गए थे मुझको, मैंने जब एक 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 बार बैठ के काउंट की तो 2,500 ग्राफ्ट भी नहीं लगे हैं मुझे। तो ये जो क्लिनिक था वो काफ़ी ख़राब क्लिनिक था, और कम ग्राफ्ट्स लगने के बाद और काफ़ी 100% रिजल्ट भी नहीं है, अराउंड 60% ग्राफ सर्वाइव किए मैं ये बोलूँगा। तो काफ़ी उनका क्लिनिक की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ख़राब थी, डॉक्टर सुनीत नेमा के हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक की जो जबलपुर में है। तो उसके बाद भी मेरा इतना रिजल्ट आया है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप अच्छा क्लिनिक चूज़ करेंगे जहाँ पे रेप्यूटेटेड क्लिनिक है, अच्छा रिजल्ट है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा अच्छा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और क्राउन एरिया खाली छूट गया, उसके बाद भी इतना रिजल्ट है कि आपको हो जाएगा। ये जो गैप है आप देखेंगे ये वेवी पैटर्न के कारण आता है। तो आपको जो भी क्लिनिक चूज़ करना है वो अच्छे से चूज़ करना है। तो ऐसा वेवी पैटर्न के बाद भी मेरा एटलीस्ट कवरेज आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि ये डोनर एरिया है, इस तरीके से डोनर एरिया लग रहा है। अभी तक मैं जो कटिंग कर रहा हूँ वो खुद ही कर रहा हूँ, अब मैं प्रॉपर बार्बर के पास जाके कटिंग शॉप में जाके कटिंग करवाऊँगा तो थोड़ा और बेटर लुक आएगा। तो ये ऐसा आपको चारों तरफ से मैंने रिजल्ट दिखा दिया है, और जो साइड के आपको गैप दिखता था, और ये जो क्राउन एरिया है वो भी अभी नहीं है, जो गैप दिखता था, और ये जो क्राउन एरिया है ये सिर्फ एक सर्टेन एंगल से विजिबल होता है। अभी क्राउन एरिया में ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं था तो उसमें अपन रिजल्ट एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। फेनास्ट्राइड, डूटास्ट्राइड और मिनोक्सिडिल मैं लेता नहीं हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ। तो बस इसी एंगल से क्राउन एरिया दिखता है, बाकी साइड से पीछे से आपको मेजरली क्राउन एरिया नहीं दिखेगा। तो ऐसा कुछ फोटोज़ ऊपर से आप लेते हैं तो भी ऐसा दिखता है, क्राउन एरिया बहुत कम विजिबल होता है। पीछे से आप देखेंगे ये फ़ोटो तो यहाँ पर भी क्राउन एरिया हल्का सा ही दिखता है, बाकी जगह पूरा कवरेज है। और जो मेहंदी लगा लेता हूँ मैं, उसके कारण और थोड़ा बाल ब्राउन और डार्क ऑरेंज जैसे देखते हैं, तो फिर भी थोड़ा शाइन देता है आपको हेना का कलर भी। और यहाँ से भी आप देखेंगे कि क्राउन एरिया का जो हल्का सा जो बॉल्डनेस है, ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं था तो रिजल्ट आया नहीं, तो वो भी बहुत कम दिखता है। तो इस तरीके का कुछ डोनर एरिया दिख रहा है, और ऐसा फ्रंट का लुक आ रहा है। हल्की सी डेंसिटी कम है फ्रंट में, बट अपन को जितनी ज़रूरत है यहाँ पर हल्की सी डेंसिटी कम है, बट जितनी ज़रूरत है उतना अपन को रिजल्ट आ गया है। तो तो आई ये थिंक है इट्स कुछ ओके। रिज़ल्ट मेरा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ हेल्प मिली होगी। प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर कोई क्वेश्चंस हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।